जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू जी व्लॉग। और आज का व्लॉग किस बारे में है मेरे हुलिये से आपको अंदाजा हो रहा होगा। मैं नींद में इधर उधर गिर रही हूँ क्योंकि हम लोग पूरी रात से नहीं सोए हैं और इस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं। और आज मैं, मेरी बहन अलाइबा, हम लोग जा रहे हैं पंजाब। तो हम नहीं सोए क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम सुबह 6 बजे था, तो हम नहीं सोए और हम नींद में एक दूसरे के अंदर भी टकरे मार रही हैं, दीवारों में भी टकरी मार रही हैं और लारिब को भी सजा दी गई है, वो भी नहीं सोए। बस अभी फिलहाल चेंज करेंगे, मतलब मैंने तो चेंज कर लिया है, मुंह धोएंगे और थोड़ा सा फ्रेश होंगे, तब तक लारिब आएंगे और स्टेशन पर जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, पंजाब पहुंचेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फॉर यू, बैड मॉर्निंग फॉर मी। बहुत खिले खिले रंग पहने हुए हैं भाई, जनाब फातिमा जा रही हैं तो फूले ही नहीं समा रहे। अच्छा अच्छा चाचा, ये तो देखे, सोए नहीं आप? क्यों इतनी जल्दी थी? क्योंकि मैं सो जाऊं, मेरी आंख लग जाए, ट्रेन मिस नहीं हो जाए, तो मैं छोड़ आऊं, एक दफा मैं देख लूं, अपने हाथों से बिठा आऊं ताकि ये रुखसत हो जाए और बस। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तसल्ली हो जाए मुझे कि वापस नहीं आ रही जल्दी। अच्छा सॉरी बोले, मैं बस बोले सॉरी भाई। सो फाइनली थोड़ी सी गुड मॉर्निंग हो गई है, थोड़ी सी गुड मॉर्निंग इन अ सेंस के जब लारिब ने हमें ड्रॉप किया, लारिब हमें छोड़ के जा रहे थे, उस टाइम तो मैं सिचुएशन में थी नहीं कि मैं थोड़ा सा भी व्लॉग कंटिन्यू कर सकूं, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और हम लोग सो गए और अब हम लोग उठे हैं। और हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस ट्रेन के अंदर, इसके अंदर कैफेटेरिया भी नहीं है और इसके अंदर कुछ खाने का अवेलेबल नहीं है, वरना हम हमेशा अपना खाना शुरू में साथ लेके जाते थे और हमेशा फिर अंदर से खाना मिलता था, तो फिर हमारा वो खाना वेस्ट होता था। इस दफ़ा हम कुछ नहीं लाए खाने के लिए, इनफैक्ट मैं घर से खा के भी नहीं आई, तो भाई ट्रेन में मिल ही जाएगा ये वो, और कैफेटेरिया भी नहीं है और अपना खाना भी नहीं है। और अब एक अपनी पुरानी दोस्त मुझे याद आई जिसका घर सखर पे है, उसकी मैंने मिन्नतें तो नहीं की, खैर उसको मैंने एक दफ़ा बोला कि यार भूख लगी है, घर में से किसी को बोला खाना पहुँचा दे, तो उसने बोला कि हम खाना आपको जो है वो स्टेशन पर पहुँचा देंगे। अब हम वेट कर रहे हैं कि सखर कब हमारे पेट में कुछ जाए और कब हम दोबारा सोएं, और सोएंगे तो ही सफ़र गुजरेगा, वरना तो सफ़र गुजरने का कोई इम्कान नहीं है। यार पूरी रात मैं सोई हूँ ना, तो मैं अपनी इसकी ना छन छन की वजह से इतना डिस्टर्ब हुई है, मैं बार बार उठती थी, सुन रही है, ये मैं करवट लेती थी, ये ऐसे होती थी छन छन, तो मुझे आमीजे तुम्हारा याद आता, तो मुझे लगता था पता नहीं कौन आ गया, अनामिका आ गई शायद मेरी डिग्री, तो इतनी छन छन पता नहीं कहाँ से आ रही है, अब मैं इतना से तंग आ गई हूँ। अनामिका मैंने कहा क्या, मंजुलिका थी, मूवी गलत देखी है इसने, तो ये इसमें ये जो है ना इसकी इसका शोर है, पता नहीं कहाँ से आएगा, बहरहाल इसने मुझे बहुत तंग किया, इसलिए उतार दो मैम, मैम ये उतार देंगी प्लीज, ये लाइबा जो है ये थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रही है, ये भी उतार देगी ताकि मेरी छन छन से जान छूटे। और लारिब में जाते हुए मुझे अपनी वॉच जो उनको बहुत 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 पसंद है, उन्होंने उतार के मेरे हाथ में पहना दी थी, और ये बहुत वैसे बहुत भारी है, मतलब मुझे तो ऐसे मेरा बाजू एक तरफ से ऐसे हो गया था, फिर मैंने उतार के बैग में रख दी और मैं इसको पहनूंगी। और लारिब ने मुझे बोला कि इसको घुमाना नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह इसको नहीं घुमाऊँगी, अपने पास रखूँगी। और लारिबा ने अभी एक नई बात मुझे बताई कि हो सकता है कि लारिब ने इसके अंदर जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजी हुई हो कि मैं सारी बातें सुन सकूँ। लारिब ने देखें, लारिबा ये सोचती है आपके बारे में, मैंने फ़ौरन बोला, मैंने कहा नहीं मैं बोलना शुरू कर दो, सच्ची तो नहीं लगाई। फाइनली सखर आ गया और हमने खाना खा लिया, जिंदगी तो हमारी है, ये हमारा कोई चौथा पांचवा मील है जो हम खाने लगे हैं। अभी हमने ये भी खाना किसी से मंगवाया, मैं तो कह रही हूँ ये चावल सालन रोटी और ये पिज्जा, पिज्जा खाएंगे बाकी सब छोड़ दो। अब तो हमारी ट्रेन एक्चुअली लेट हुई है इसलिए हम इतना खा रहे हैं, ये ना सोचेगा कि हम इतना खाते हैं। मैं भावनाओं में इतना बह गई थी कि इधर मच्छर बहुत था, तो लारिब ने हमें ये मोस्पेल टाइप ही कोई है लोशन है, रिपेलेंट लोशन ये लेके दिया था, और मैं पिज्जा खा रही थी और मैं भूल गई, मैं इसको केचप समझ के ऊपर डाल के खाने लगी थी, वो भूल गई। फाइनली हम अपने बैग निकाल रहे हैं, शुक्र एक बैग वो पड़ा है, वो निकालेगी मेरी बड़ी बहन, प्लीज़ हेल्प ब्रो, निकालिए इसको, सामान निकाल के बाहर जा रहे हैं, शुक्र है कि हम पहुँचने वाले हैं। फाइनली मेरा भाई आ गया है, वो अंदर वाले को डालो पहले।
यार घर आने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ मुझे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है ना। ओ हो 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 और ये सब मैंने ही खाना है। क्यों आपने क्यों खाना है? मैंने भी खाना है यार। क्यों मुझे भूख नहीं लगती यार। नहीं जब आप नहीं खा सकते सेब तो मेरा है ना। नहीं सब मैंने खाना। अभी मैंने आपसे पूछा आपने सेब खाना है कि नहीं, तब इन्होंने कहा नहीं खाना, और अब आया तो सेब भी आपने ले लिया यार, हद हो गई। इससे ये बात साबित होती है कि किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है। कुछ टाइम पहले मैंने कहा मैंने नहीं खाना, अब मैंने खाना है। आप इतना खा लो कि ये इतना ही मेरे बाएं हाथ के घेरा अभी खाऊंगी चुटकियों में। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ये यहाँ पे आती है इतना खाती है, मेरे हिस्से का भी खा जाती है, आके मुझे फ्रूट नहीं खाने देती। फिर जब उधर जाती हूँ उधर कुछ नहीं खाती। उधर क्यों नहीं खाती? उधर इसलिए नहीं खाती क्योंकि वहाँ खुद उठ के लेना पड़ता है, यहाँ पे किसी को बोल दो तो वो ला देते हैं। सीन ये है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा काम करूँ, मतलब मेरी मम्मा भी मुझे यही बात बोलती है कि तुम भूखी मर जाओगी लेकिन तुम उठ के खुद कुछ लेती हो। यहाँ हर चीज़ ऐसे मिल जाती है तो यहाँ मैं बहुत खाती हूँ, लिटरली मैं हद से ज़्यादा खाना खाती हूँ, तो इसलिए मैं खाऊंगी। आप जा सकती। ये भूख लगी हुई है और खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि 9-10 मुहर्रम में सब बंद होता है, सब बंद है। मेरा दिमाग खा रहा है यार। अब फिर हिजाब नेट इंतजार को एक दफा मिलाने तो इंतजार को मिलाना भी नहीं है। क्या पता खुला देर में खुला है कि नहीं। अभी खुला भी है तो फिर फायदा, खुला अगर जी आपका रेस्टोरेंट खुला जी खुला चले सी अल्लाह हाफिज़। ये बता करना ये आपस में लड़ाई हो रही, किसी को किसका पसंद है, किसी को किसका खाना पसंद है। ठीक है यार जब ऑर्डर हो जाए ना मुझे उठा देना। फादी खुला होगा उसको कर लो। हाँ, नहीं, फादी बंद है। फादी बंद है। खुला होगा। नहीं वो चोरी चोरी खोल लेते। चोरी चोरी भी लग तो नहीं रहा। कॉल उठाओ फहद हुआ तो मैं पिज्जा उसको बोलूंगा। फादी वाला एक रेस्टोरेंट का नंबर मिला है, हमने क्या डिसाइड किया हम क्या करेंगे? हमने डिसाइड किया कि उसे कॉल करके बोलेंगे कि आपको शर्म नहीं आती आपने 9 महरम को रेस्टोरेंट खोला हुआ, लेकिन उसने आगे से पता क्या करना, उसने कहा आपको शर्म नहीं आ रही आप 9 महरम को रेस्टोरेंट में कॉल कर रहे हैं। मतलब हम यही देख रहे हैं कौन खुला कौन नहीं खुला, लेकिन उसने हमारी फोन नहीं उठाई। हाँ यार भूख से दिमाग घूम गया। अब एक ही बंदा तुम लोगों की मदद कर सकता है वो है ये, जिसके लिए आपको पहले थे पाओ 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 तो पाओ। चलो बहुत अच्छा, चलो अब ले जाओ। नहीं अब कल ले जाऊँ यार अहमद। यार मैं वहां से खा खा के क्या तुम ना खाना तो मुंह देखना हमारा। हमें तो भूख लगी इसको ना, ये तो ये है ना इसको जब काम होता है इसका एक्सेंट इतना खूबसूरत होता है ना, इसकी आवाज इतनी प्यारी वैसे ही आगे कर दिया। हाँ क्या है क्या है? अच्छा ठीक है यार सही है चलो ओके। और अब इसने जाना था अहमद ले लो चलो चले जाते हैं अहमद। ये तो तुमने पूछने से पहले हमसे पाँव दबवाए और वो निकला है बंद। अब किसके पाँव उसने कहा अभी ऑफ किया जो मैं पाउंड दबाया था खुला था। थोड़ा सा ऑन कर ले थोड़ा सा ऑन करके पानी पिला देगा बस यार सो जा यार। यार हम लोगों ने ना 3 दफ़ा एक ही जगह से पिज्ज़ा ऑर्डर किया, हमें इतनी भूख लगी थी। पहले हमने ऑर्डर किया स्मॉल, ठीक है, मतलब एक कज़न ने चोरी चोरी किया। जब वो आया सबको पता चल गया, सबने कहा अच्छा तुमने पिज्ज़ा मंगवाया, उस बेचारे को मजबूरन देना पड़ा सबको। फिर हमने दोबारा ऑर्डर किया, हमने कहा अब हम सब मिलकर खाते हैं। फिर हमने एक कज़न को निकाल दिया, हमने मीडियम ऑर्डर किया। जब वो आया तो वो कज़न भी आ गया, उसको पता चल गया, वो फिर रह गया। अब हमने 3री दफ़ा भी ऑर्डर किया, वो भी हमें पूरा नहीं आया। और अब हम चोरी चोरी घर से बाहर जा रहे हैं क्योंकि डिलीवरी सबने बंद कर दी है। हम अपनी जगह पे तकिए लटा के चोरी चोरी गाड़ी को धक्का देके घर से निकालेंगे और जाएंगे। और अगर अम्मी अभी को पता चल गया तो हम पता नहीं कहाँ रुकेंगे। अभी मैं आपको अगले के आगे का मनाज़िर दिखाती हूँ। ये हमने जो है ना वो अपना ये बनी हूँ मैं, ये मेरी कज़न बनी है और वो बनी है हिजाब। देखने में तो इंसान नहीं लग रहे लेकिन फिर भी अब देखते हैं हमारा ये आइडिया कैसे चलता है। चोरी चोरी सब उतर है, आहिस्ता जाना जो है ना ये हमारा बहुत
वॉचमैन है जिसको हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा है, ये सो गया और उसके मुंह में सिगरेट है। गाड़ी स्टार्ट किए बगैर पीछे धक्का दिया हमने और ये भी ऑटोमेटिकली पीछे खुद बहुत जा रही है। हमने कुछ ना कुछ तो खा लिया, अभी तक तो घर से फोन नहीं आया। अब हम वापस जा रहे हैं, अल्लाह ताला हम पहुंच जाएं घर और अब वो फिर ही उठे। फाइनली हम शुक्र है वापस आ गए और अब हम सच में यहाँ पे लेटेंगे। हटो, देख रहे हो हमारी कारिस्तानियाँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो तो वाकई लग रहा है कोई सोया हुआ यार। सो फाइनली ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है क्योंकि मैं रात इतना 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 थकी हुई थी कि बस हिम्मत ही नहीं थी, बस आए और सो गए। और अभी अभी उठे हैं, कितने बजे उठी हूँ मैं? 3 बजे। अभी अभी हम लोग उठे हैं और बस अभी नाश्ता करेंगे, खाना शाना खाएंगे, फिर अगला व्लॉग तो आप लोगों को जो आप लोग देखना चाहते हैं वो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्लॉग को शेयर कर दें, बस ठीक है, सिर्फ शेयर करना और कुछ ना करना, सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें, लाइक भी कर दें। आपने बोल दिया ना? हाँ, नहीं फिर दोबारा कर दें, आपके कहने पर करेंगे और बेल आइकन को ना दबाए, दबा दें, दबा दें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, व्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और बाय बाय।